नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि अगर रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, क्या आईवीएफ से वह सॉल्व हो जाएगा? बहुत सारे पेशेंट के रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होते हैं, यानी कि उनकी बहुत सारी अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है और वह आईवीएफ करवाने के लिए हमारे पास आ जाते, तो रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का सोल्यूशन आईवीएफ से नहीं निकलने वाला, क्योंकि जो रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है उसके अपने कारण हैं और उन कारणों को ट्रीट किया जाएगा। आईवीएफ से इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकले। ऐसा क्यों है? क्योंकि आईवीएफ में भी हम सेम ही पेशेंट के एग्ज़ निकालेंगे, उन्हीं के स्पर्म्स लेंगे, बेबी बना के यूट्रस में रखेंगे। अगर पेशेंट को कुदरती प्रेगनेंसी हो रही है तो आईवीएफ से हम क्या कर रहे हैं? हम पेशेंट को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी तो नेचुरली ही हो रही है। मगर प्रेगनेंसी आगे जो बढ़ती है वह जो है वो आईवीएफ से चेंज नहीं होती। प्रेगनेंसी जो आगे बढ़ती है वह तो बॉडी करती है, तो बॉडी हमें अगर प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ रही है तो आईवीएफ से इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस बात का ये मतलब है कि अगर किसी को रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, यानी कि दो से ज़्यादा मिसकैरेजेस हैं, और अगर वो आईवीएफ करवाना चाह रहे हैं तो आईवीएफ से रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अनलेस उनके कोई और दिक्कत है, यानी कि जैसे ट्यूबें बंद हैं या कोई और दिक्कतें हैं जिनके कारण आईवीएफ करना ज़रूरी है, वो बात अलग है। मगर रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का इलाज आईवीएफ से नहीं हो। आईवीएफ जो है वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें हेल्प कर सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी की फैमिली हिस्ट्री है, दोनों हस्बैंड वाइफ की सेम ही फैमिली में मैरिज हुई हुई है, या फिर उनके अंदर कोई फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स रन कर रहे हैं, तब रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में ही सिर्फ आईवीएफ हेल्प कर सकता है, जिससे पीजीटी की टेक्निक से एम्ब्रियो को जांचा जा सकता है, जो नॉर्मल एम्ब्रियो है वही यूट्रस में डाला जा सकता है। तो ये टाइप के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले जो नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले जो रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज हैं, सिर्फ और सिर्फ इनमें जो है वो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी या जो पीजीटी की टेक्निक से जो एम्ब्रियो बनाए जाते हैं और ढूंढे जाते हैं कि नॉर्मल कौन से हैं, सिर्फ इन पेशेंट्स में जो है आईवीएफ जो है हेल्प कर सकता है। रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीमारी है। रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो है वो 75 से लेकर 90% तक पेशेंट्स जो हैं उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा होता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि बॉडी जो है वो बेबी को रिजेक्ट कर देती है। एलो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें खून की परवाह अच्छी नहीं जाती बच्चे को, या प्लेसेंटा की फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती, इसलिए रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। उसके अलावा एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि यूट्रस की जो बनतर है वो अच्छी नहीं होती, या उसके अंदर पर्दा होता है, या यूट्रस के जो डिविजन्स हुई होती हैं, या दो यूट्रस होती हैं, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। और फाइनली कुछ इडियोपैथिक कारण होते हैं जिसमें कोई कारण बताया नहीं जा सकता, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि थायरॉयड, डायबिटीज, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में जो जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे हैं जो पेरेंट्स से बच्चे को जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स किसी एक पर्टिकुलर जीन के या एक पर्टिकुलर बीमारी के कैरियर हैं, तो ही सिर्फ आईवीएफ इस पर्टिकुलर कंडीशन में हेल्प कर सकता है पीजीटी की टेक्निक के माध्यम से, जिसमें नॉर्मल एम्ब्रियोज ढूंढे जा सकते हैं और यूट्रस में डाले जा सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम यही कन्वे करना चाहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले अपने आईवीएफ कंसल्टेंट को मिलना चाहिए या फर्टिलिटी कंसल्टेंट को मिलना चाहिए, जो सबसे पहले ये कारण ढूंढे कि इनको रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है। फिर वो कारण अगर आईवीएफ से क्योर हो सकता है तो आईवीएफ की ओर बढ़े, और अगर नहीं हो सकता तो दवाएं और इलाज की तरफ बढ़े जिनसे ये प्रॉब्लम क्योर हो सके। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।